आगे सबक देखिए भाई। फसलुन वला यजूजु इहदासु बीअतिन वला कनीसतिन फी दारिल इस्लाम लिकौलिही अलैहि सलातु वस्सलामु ला खिसा फिल इस्लाम वला कनीसता वल मुरादु इहदासुहा وإن انهدمت البيع والكنائس القديمة أعادوها। भाई गुज़श्ता सबक में हमने खराज की मिकदार पढ़ी थी। आपको साहिब हिदाया ने बतलाया कि हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने इस सवाद इराक वालों पर जो खराज मुकरर फरमाया वो हर ऐसा जरीब जिसको पानी पहुंचता हो तो उसके अंदर एक कफीजे हाशमी यानी एक सा और एक दिरहम मुकरर फरमाया साल भर के लिए, और सब्जियों के जरीब में पांच दिरहम, और अंगूर और खजूर के घने बागात के अंदर दस दिरहम मुकरर फरमाए साल भर के। और ये वाकया सहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की मौजूदगी में पेश आया और किसी ने भी इसका इनकार नहीं किया, तो मालूम हुआ इस पर सहाबा का इजमा हो गया भाई। और मैंने आपको यह भी बतलाया था कि जरीब जो है वो जमीन है जिसकी लंबाई भी 60 जिरा हो और चौड़ाई भी 60 जिरा हो भाई। और जिरा से मुराद जो है आम जिरा नहीं है बल्कि मलिक किसरा का जिरा है भाई। आम जिरा जो है वो 24 उंगलियों की चौड़ाई के बराबर होता है, जबकि मलिक किसरा का जो जिरा था वो 28 उंगलियों की चौड़ाई के बराबर था भाई। और मैंने ये भी बतलाया कि एक है साए हाशमी, एक है साए इराकी और एक है साए हिजाजी। साए हाशमी सबसे बड़ा है, वो 32 रितल का है। और मैंने ये भी बतलाया कि एक रितल जो है वो 24 तोले के बराबर है। तो साए हाशमी 32 रितल का हुआ, साए इराकी वो 8 रितल का है, यानी 4 साए इराकी हो तो एक साए हाशमी बनता है। और साए हिजाजी जो है वो 5 रितल और सुलुसे रितल का होता है, यानी 5 रितल पूरे और 1 रितल का तीसरा हिस्सा भाई। और यहां पर साहिब हिदाया ने कफीजे हाशमी को जिक्र फरमाया, तो बाज़ उलमा जिक्र फरमाते हैं कि साहिब हिदाया को यहां हाशिमी की कैद नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि इंदल अहनाफ साए इराकी मोतबर है। इंदल अहनाफ हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में मदीना मुनव्वरा के अंदर जो सा राइज था वो साए इराकी था, यानी 8 रितल वाला। तो साहिब हिदाया को हाशमी की कैद नहीं लगानी चाहिए थी, ये बाज़ शारहीन फरमाते हैं। जबकि बाज़ शारहीन फरमाते हैं कि ये जो आगे आया वह हुआ साउ व दिरहमुन, ये उसी कफीजे हाशमी की तफसीर की जा रही है कि एक सा और एक दिरहम, यानी एक साए इराकी और एक दिरहम, ये साए हाशमी बनता है भाई। और इसके अलावा अगर बास ऐसी जमीनें या ऐसी चीजें हैं कि उनके बारे में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से कोई वजीफा मनकूल नहीं है तो उसमें जमीन की ताकत को देखा जाएगा, लेकिन वजीफा जो है वो जो खराज का वजीफा है वो निश्चय पैदावार से जायद नहीं होना चाहिए, यानी इंतहा दर्जे का जो खराज मुकरर किया जा सकता है वो निश्चय पैदावार के बराबर है भाई। और ये ऐन इंसाफ है, इसलिए क्योंकि मुसलमानों ने इन जमीनों पर कब्जा कर लिया था और वो चाहते तो ये सारी जमीनें ले लेते, लेकिन उन्होंने कुफार को इन जमीनों पर बरकरार रखा, तो लिहाजा अब निसफ वो कुफार ले लें और निसफ मुसलमानों को दे दें, तो ये ऐन इंसाफ है भाई। और जमीन के अंदर अगर इतने खराज की ताकत न हो, यानी उसकी पैदावार कम है, तो फिर बिल इत्तेफाक खराज के अंदर कमी की जा सकती है। लेकिन अगर जमीन की पैदावार ज्यादा हो तो क्या उस जमीन के खराज में ज्यादती की जा सकती है या नहीं, तो इसमें इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ रहिमहुमल्लाह का इख्तिलाफ है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जैसे खराज के अंदर कमी जायज है इसी तरह ज्यादती भी जायज है, जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बतला दिया गया कि अगर इससे जायद खराज
भी हम लेना चाहते तो ले सकते थे क्योंकि जमीन उसकी ताकत रखती थी। तो फिर इसके बावजूद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने खराज को मजीद नहीं बढ़ाया। मालूम हुआ जो मिकदार हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने मुकरर फरमाई है उससे ज्यादा करना जायज नहीं है भाई। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि अगर जमीन खराब हो गई यानी उस पर पानी आ गया या पानी उसका बिल्कुल ही खत्म हो गया या खेती को आफत ने तबाह कर दिया तो इस सूरत में खराज साकित हो जाएगा। लेकिन अगर जमीन के मालिक ने खुद जमीन को बेकार छोड़ दिया और उस पर कोई फसल काश्त नहीं की तो फिर भी उससे खराज वसूल किया जाएगा क्योंकि यह उसकी कोताही है कि उसने जमीन पर फसल काश्त नहीं की भाई। साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि एक जमीन पर जब एक दफा खराज आ जाए तो वो खराज ही वसूल किया जाएगा चाहे वो जमीन वाले मुसलमान हो जाएं या चाहे मुसलमान इस जमीन को खरीद लें फिर भी उनसे खराज ही लिया जाएगा। वजह यह कि खराज के अंदर सजा का पहलू भी है और खराज के अंदर खर्चा उठाने का पहलू भी है। जैसे नाबालिग औलाद का खर्चा जो है वो बाप उठाता है, वो बाप के जिम्मे होता है, तो इसी तरह इस जमीन का खर्चा उस आदमी पर, उस मुसलमान पर आ जाएगा जो इसका मालिक होगा। तो जब इसमें खर्चा उठाने वाला माना है तो उसी का एतबार किया जाएगा, यानी सजा का एतबार नहीं किया जाएगा कि मुसलमान से यह खराज बतौर सजा के वसूल किया जा रहा है, बल्कि उससे यह खराज वसूल किया जाएगा जमीन के खर्चे के एतबार से कि वह जमीन का खर्चा उठा रहा है भाई। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि अगर एक खराजी जमीन है तो उससे साल के अंदर सिर्फ खराज वसूल किया जाएगा और उस जमीन से हासिल होने वाली फसलों के अंदर उशर नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि हदीस में आता है कि मुसलमान की जमीन में उशर और खराज जमा नहीं हो सकते। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि खराज के साथ साथ उशर भी अदा करना पड़ेगा। वजह यह वो फरमाते हैं कि ये दोनों मुख्तलिफ हक हैं और इनके महल भी अलग हैं, इनके सबब भी अलग हैं। ये दोनों मुख्तलिफ हक हैं जात के एतबार से। उशर में इबादत का पहलू है और खराज में सजा का पहलू है। नीज इन दोनों का मसरफ भी अलग अलग है। उशर का मसरफ फुकारा हैं और खराज का मसरफ जो है वो मुसलमानों की मसलहतें हैं, तो मुसलमानों की मसलहत के कामों में इसको खर्च किया जाता है। और नीज दोनों का महल भी अलग अलग है। उशर जो है वो पैदावार में वाजिब होता है और खराज जो है मालिक के जिम्मे में होता है, तो दोनों का महल भी अलग हुआ। और नीज दोनों का सबब भी अलग है। उशर का सबब जो है वो अर्ज नामी जो हकीकी पैदावार दे, और खराज का जो सबब है वो अर्ज नामी है कि जिसमें काश्त पर कुदरत हासिल हो इंसान को भाई। लेकिन हम कहते हैं नहीं, उशर और खराज जमा नहीं हो सकते। एक तो हमने हदीस जिक्र कर दी कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुसलमान की जमीन में उशर और खराज जमा नहीं हो सकते, और नीज इसलिए क्योंकि खराज उस जमीन पर आता है जिसे जोरे बाजू से और कुव्वत से फतह किया जाए, और उशर उस जमीन में आता है जिसके रहने वाले खुशी से मुसलमान हो जाएं, और ये दोनों चीजें जमा नहीं हो सकती। एक जमीन को जोर बाजू से भी फतह किया गया हो और उसके रहने वाले खुशी से भी मुसलमान हो गए हों, ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा एक वक्त में एक ही चीज आएगी, या उशर या खराज। और आपने कहा दोनों के सबब अलग हैं, हम कहते हैं नहीं, दोनों का सबब एक ही है और वो अर्जे नामी है। वो अर्जे नामी है। अलबत्ता उशर में हकीकी पैदावार का एतबार किया जाता है और खराज में तकदीरी पैदावार का एतबार किया जाता है। और नीज इनका सबब जमीन है, इसका पता इस बात से भी चलता है कि इन दोनों की निस्बत जमीन की तरफ की जाती है। उशर की निस्बत भी जमीन की तरफ की जाती है और उशरुल अर्ज कहते हैं। इसी तरह खराज की निस्बत भी जमीन की तरफ की जाती है और खराजुल अर्ज कहते हैं। और ये किसी चीज की तरफ इजाफत और निस्बत करना ये सबब होने की दलील है भाई। नीज ये भी आपको साहिब हिदाया ने बतलाया था कि उशर और खराज जब अदा किया जाए तो उस माल के अंदर तिजारत वाली जकात नहीं आएगी। एक जमीन किसी ने तिजारत की नीयत से खरीदी कि इसको आगे बेचकर नफा कमाएगा, तो यह जमीन खराजी या उशरी है, तो खराज और उशर जब अदा किया जा रहा है तो अब वो माले तिजारत वाली जकात, वो जो साल के गुजरने पर अदा की जाती है, वो इसके अंदर वाजिब नहीं होगी भाई।
और फिर साहिब हिदायत ने यह भी बतलाया कि खराज के अंदर तकरार नहीं है, यानी जमीन से साल में कई फसलें हासिल हुई तो इसका यह माना नहीं है कि कई मरतबा खराज वसूल किया जाएगा, बल्कि खराज एक ही मरतबा वसूल किया जाएगा पूरे साल में, चाहे साल के अंदर जमीन से जितनी भी फसलें हासिल की जाएं भाई। और उसके बाद हमने जिजिया के बारे में पढ़ना शुरू किया था। साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि जिजिया दो किस्म पर है, एक वो जिजिया है जो कुफार के साथ बाहमी रजामंदी और सुलह के नतीजे में मुकरर कर लिया जाए, और एक वो जिजिया है कि इमाम किसी इलाके को फतह कर ले और उन पर जिजिया मुकरर करे। तो वो जिजिया जो कुफार के साथ बाहमी रजामंदी के जरिए मुकरर हुआ है तो उसके अंदर ज्यादती जायज नहीं है, जो आपस में तय हुआ है वो ही वसूल किया जाएगा। जबकि दूसरा जिजिया जो इमाम मुकरर करेगा उस इलाके वालों पर जिस इलाके को मुसलमानों ने कुव्वते बाजू से फतह किया है, तो उसके अंदर मालदार जो होगा, जो खूब मालदार होगा, उससे साल भर के 48 दिरहम, और जो मुतवस्सित दर्जे का होगा उससे साल भर के 24 दिरहम, और जो कामकाज करने वाला गरीब शख्स होगा उससे साल भर के 12 दिरहम वसूल किए जाएंगे भाई। जबकि इमाम शाफई रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यहां गरीब और अमीर का कोई फर्क नहीं किया जाएगा, बल्कि सबसे एक दीनार या इसके बराबर कोई चीज वसूल की जाएगी, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआज़ रजी अल्लाह तआला अन्हो को जब यमन भेजा तो उनसे फरमाया था कि उनके हर बालिग मर्द और औरत से एक दीनार या उसके बराबर माफिर कपड़ा लेना। तो इसके अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं किया, और नीज इसलिए क्योंकि ये जो जिजिया वाजिब होता है ये कत्ल का बदल है, क्योंकि ये कुफार कत्ल के मुस्तहिक हो चुके थे, तो ये कत्ल से बदल होकर जिजिया वाजिब किया जाता है, और कत्ल के अंदर तो अमीर और गरीब सब बराबर हैं, लिहाजा इन सब पर बराबरी के साथ जिजिया आएगा भाई। जबकि हम जवाब देते हैं कि हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने सवाद इराक वालों पर यह जिजिया मुकरर फरमाया जो हमने जिक्र कर दिया कि मालदार से 48 दिरहम, मुतवसित आदमी से 24 दिरहम और गरीब आदमी से 12 दिरहम लिए जाते थे साल भर के। और फिर हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो के जमाने के बाद हज़रत उस्मान गनी और इसी तरह हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के जमाने में भी यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा भाई, और किसी एक ने भी इसका इनकार नहीं किया। मालूम हुआ इस मिकदार पर सहाबा का इजमा हो गया, और नीज इसलिए क्योंकि जो खराज कुफार पर वाजिब होता है ये इस वजह से कि ये जो जिम्मी हैं ये भी ममलिकत इस्लामिया के बाशिंदे हैं, इन पर भी वाजिब था कि वो ममलिकत का दिफा करें और गाजियों की अपनी जान और माल के जरिए मदद करें, जैसे मुसलमानों पर लाजिम है कि वो गाजियों की जान और माल के जरिए मदद करें। चुनांचे जो मालदार मुसलमान होता है वो खुद भी अपनी सवारी को लेकर जिहाद के लिए निकलता है और उसके साथ उसके गुलाम वगैरह भी होते हैं, और जो मुतवस्सित दर्जे का मुसलमान होता है वो अपने घोड़े और अपनी जान को लेकर जिहाद के लिए निकलता है, और जो गरीब मुसलमान होता है वो सिर्फ अपनी जात को लेकर यानी पैदल ही जिहाद के लिए निकलता है। तो मालूम हुआ कि जो ममलिकत इस्लामिया के बाशिंदे हैं वो अपनी इस्तेताअत के मुताबिक ममलिकत का दिफा करते हैं और गाजियों की मदद करते हैं, लेकिन ये जो जिम्मी हैं इनको हम लड़ाई के अंदर नहीं बुलाते। वजह यह है कि ये जिम्मी भी काफिर हैं और जिनसे हमारी लड़ाई हो रही है वो भी काफिर हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन जिम्मियों का मैलान और झुकाव उन काफिरों की तरफ होगा, तो लिहाजा ये अपनी जान के साथ लड़ाई में हिस्सा लें ये तो इन पर लाजिम नहीं है, तो इस जान और माल की लड़ाई के बदले इन पर सिर्फ माल को लाजिम कर दिया गया कि ये अपने माल के साथ ममलिकत इस्लामिया का दिफा करें और गाजियों की मदद करें, और ये माल जिसके साथ मदद की जाती है गाजियों की ये तो आदमी की हैसियत के मुताबिक मुख्तलिफ होता है, लिहाजा जिम्मियों पर जिजिया भी उनकी हैसियत के मुताबिक मुख्तलिफ होगा, सब पर एक जैसा जिजिया नहीं होगा भाई। और जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस जिक्र की उसका हम जवाब देते हैं कि वो हदीस सुला पर महमूल है, कि वो जो उनसे यमन वालों से माल वसूल किया जा रहा था वो बतौर सुला के था, और इसकी दलील खुद हदीस के अंदर मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने बालिग मर्द के साथ बालिग औरत को भी जिक्र फरमाया, हालांकि बिल इत्तेफाक औरतों पर जिजिया नहीं आता। मालूम हुआ ये माल बतौर सुला के था, और बतौर सुला के जो माल हो वो तो औरत पर भी वाजिब किया जा सकता है भाई।
और फिर साहिब हिदाया ने उन लोगों को जिक्र फरमाया जिन पर जिजिया मुकरर किया जा सकता है। साहिब हिदाया ने बतलाया कि चाहे अहले किताब हो, चाहे मजूसी हो, चाहे बुतपरस्त हो, इन तमाम से जिजिया वसूल किया जा सकता है। अलबत्ता अरब के जो बुतपरस्त हैं, अरब के जो मुशरिकीन हैं या जो मुर्तद हैं, उनसे जिजिया वसूल नहीं किया जा सकता, उनसे सिर्फ इस्लाम या तलवार के जरिए ही फैसला किया जाएगा भाई। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि जो जिजिया है यह सिर्फ बालिग मर्दों पर आएगा, यानी वो लोग जो जंग के काबिल हैं। चुनाचे इसीलिए औरतों और बच्चों पर जिजिया नहीं आएगा कि वो जंग के काबिल नहीं हैं। और इसी तरह अगर कोई अपाहज है या अंधा है, माजूर है या बहुत बूढ़ा है, तो इन पर भी जिजिया वाजिब नहीं होगा, जिजिया वाजिब नहीं होगा। और अगर जिम्मियों के कोई गुलाम है, मसलन आम गुलाम है या मुकातब है उनके या मुदब्बर वगैरह, तो उन पर भी जिजिया मुकरर नहीं किया जाएगा, इसलिए क्योंकि इन गुलामों की वजह से ही तो उनको मालदारों में शुमार किया जाएगा और उनसे ज्यादा जिजिया वसूल किया जाएगा। तो इन गुलामों की वजह से जब एक मरतबा ज्यादा जिजिया वसूल किया जा रहा है तो इन गुलामों पर अब जिजिया वाजिब नहीं किया जाएगा, वरना तो एक ही चीज की वजह से दो मरतबा जिजिया का वसूल करना पाया जाएगा और यह तो जायज नहीं है भाई। और साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि जिम्मियों के जो राहिब हैं, जो लोगों से मिलते जुलते नहीं और लोगों से अलग थलग जो है इबादत में मसरूफ रहते हैं, इन पर जिजिया नहीं आएगा। तो यह तो जाहिर रिवायत के अंदर आया कि इन राहिबों पर जिजिया नहीं आएगा, लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्ला इमाम साहिब से रिवायत करते हैं और इसी तरह इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्ला का भी यह कौल है कि इन राहिबों पर भी जिजिया मुकरर किया जाएगा भाई। बात समझ में आ गई। और फिर साहिब हिदाया ने बतलाया कि इन जिम्मियों में से कोई मुसलमान हो जाए और उस पर जिजिया वाजिब हो चुका है तो वो जिजिया साकित हो जाएगा, वो जिजिया साकित हो जाएगा, क्योंकि अब जिजिया की वसूली मुमकिन न रही, क्योंकि जिजिया की वसूली के अंदर इजलाल है, उस शख्स को जलील करना है और मुसलमान की तो इज्जत करने का हुक्म दिया गया है, लिहाजा मुसलमान से जिजिया वसूल करना मुमकिन न रहा। इसी तरह अगर साल गुजर गया और जिम्मी पर जिजिया वाजिब हो गया लेकिन उससे पहले ही उसका इंतकाल हो गया तो इस सूरत में भी जिजिया साकित हो जाएगा और उसके तरके में से यह जिजिया वसूल नहीं किया जाएगा। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कोई जिम्मी मुसलमान हो जाए या मर जाए, फिर भी जो जिजिया उस पर वाजिब हो चुका है वो वसूल किया जाएगा, इसलिए क्योंकि ये जिजिया बदल है उसकी इस्मत का, क्योंकि उसकी जान की हमने हिफाजत की, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया, या ये बदला है उसकी दारुल इस्लाम के अंदर रिहाइश का। तो ये जो जिजिया है ये इस्मत का बदल होता है या दारुल इस्लाम में रिहाइश का बदला होता है। और जब एक साल गुजर गया और इसकी जान महफूज रही तो इसने मुआवज वसूल कर लिया, या एक साल गुजर गया और इसकी रिहाइश दारुल इस्लाम में थी तो इसने मुआवज यानी रिहाइश वसूल कर ली। तो जब इसने मुआवज वसूल कर लिया है तो अब उसका इवज जिजिया भी इसे अदा करना पड़ेगा। जबकि हम कहते हैं कि हदीस में आता है लैसा अला मुस्लिमीन जिजियतुन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मुसलमान पर जिजिया नहीं है भाई। और नीज हम कहते हैं ये जो जिजिया है ये बदले मुआवजा नहीं है, बल्कि ये बतौर सजा के काफिरों पर वाजिब किया गया है, बतौर सजा के, और इसीलिए इसको जिजिया कहते हैं। जिजिया और जजा का माना है बदला और सजा, तो ये भी बतौर सजा के वाजिब किया गया है, इसीलिए इसको जिजिया कहते हैं। और कुफर की वजह से वो जिस सजा का मुस्तहिक था जब ये इस्लाम ले आया तो वो सजा साकित हो जाएगी, लिहाजा जिजिया भी साकित हो जाएगा। और नी सजा जो है मौत के बाद नहीं दी जाती, अगर किसी शख्स पर हद वाजिब है लेकिन हद नाफिस करने से पहले उसका इंतकाल हो जाए तो मरने के बाद उसको सजा नहीं दी जाती। तो लिहाजा अगर जिम्मी पर जिजिया वाजिब है और वो मुसलमान हो जाए या उसका इंतकाल हो जाए तो वो जिजिया साकित हो जाएगा। और नीज इसलिए क्योंकि जिजिया जो है ये नुसरत का बदल था, ये उनकी
कि नुसरत का बदल था, और जब ये इस्लाम ले आया तो अब ये अपनी जान और माल के साथ नुसरत पर कादिर हो गया। तो जब ये असल पर कादिर हो गया तो अब बदल यानी जिजिया वाजिब नहीं होगा भाई। और फिर साहिब हिदाय ने यह भी बतलाया कि अगर 2 सालों का जिजिया जमा हो गया तो उसमें तदाखुल हो जाएगा, चाहे 2 साल हो या 2 साल से ज्यादा। ये इमाम साहिब के नजदीक है, जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि जिजिये के अंदर तदाखुल नहीं होगा, गुज़श्ता तमाम सालों का जिजिया भी वसूल किया जाएगा भाई। और यही कौल है इमाम शाफी रहमतुल्लाह का भाई, क्योंकि साहिबैन और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो जिजिया है इस्मत या रिहाइश का बदल है, जैसे पीछे इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील गुजर गई। और जब ये शख्स मुआवज वसूल कर चुका है तो इवज भी इस पर लाजिम हो चुका है भाई। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि नहीं, ये जो जिजिया है ये बतौर सजा के है, और जब एक शख्स के अंदर कई सजाएं जमा हो जाएं तो उन सजाओं में तदाखुल हो जाता है भाई। बात समझ में आ गई। और नीस इसलिए क्योंकि ये जो जिजिया वाजिब हुआ है ये इनके हक में, कुफार के हक में इनके कत्ल से बदल है, और मुसलमानों के हक में ये इनकी मदद से बदल है। तो ये कत्ल से बदल है लेकिन मुस्तकबिल के एतबार से, या ये मदद से बदल है लेकिन मुस्तकबिल के एतबार से, क्योंकि माजी तो गुजर चुका है, माजी के अंदर तो अब इन कुफार को इस्मत की हाजत नहीं और ना हमें माजी के अंदर मदद की हाजत है। मदद की हाजत भी मुस्तकबिल में होगी और इस्मत की जरूरत भी इन जिम्मियों को मुस्तकबिल में होगी। लिहाजा जब साल गुजर गया, अगला साल आ गया, तो गुज़श्ता जिजिया साकित हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। फसलुन वला यजूजु इहदासु बीअतिन वला कनीसतिन फी दारिल इस्लाम। अब यहां से जिक्र कर रहे हैं जिम्मियों के अहकाम भाई, कि जिम्मियों के लिए क्या चीजें करना दारुल इस्लाम में जायज हैं और दारुल इस्लाम में उन पर क्या पाबंदियां होंगी भाई। तो आपको बतलाएंगे कि जिम्मी जो हैं दारुल इस्लाम के अंदर अपनी नई इबादतगाह नहीं बना सकते। हां अलबत्ता अगर उनकी पुरानी इबादतगाह गिर गई है तो उसकी वो दोबारा तामीर कर सकते हैं भाई। और नी जिम्मियों पर पाबंदी लगाई जाएगी कि वो अपनी वजाकता और लिबास और सवारियों वगैरह के अंदर मुसलमानों से इम्तियाज रखेंगे, यानी ऐसी अलामतों का उनको पाबंद किया जाएगा जिससे देखने वाले को फौरन पता चल जाए कि ये मुसलमान नहीं है, ये गैर मुस्लिम है भाई। तो कहते हैं वला यजूजु इहदासु बीअतिन वला कनीसतिन फी दारिल इस्लाम। बीआह भाई, बीआह इसकी जमा आती है बीआह भाई, और इसी तरह कनीसा भाई इसकी जमा आती है कनाइस भाई। और ये बीआह और कनीसा ये यहूदियों और ईसाइयों की इबादतगाहों को कहते हैं। ये बीआह और कनीसा यहूदियों और ईसाइयों की इबादतगाह को कहते हैं, यानी दोनों के लिए दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए जाते थे। यहूदियों की इबादतगाह को बीआ भी कह देते और कनीसा भी, इसी तरह ईसाइयों की इबादतगाह को भी बीआ भी कह देते और कनीसा भी। लेकिन फिर बाद में ये जो बीआ है ये बीआ का लफ्ज खास हो गया ईसाइयों की इबादतगाह के साथ और कनीसा का लफ्ज खास हो गया यहूदियों की इबादतगाह के साथ भाई। तो बहरहाल ये दोनों लफ्ज उनकी इबादतगाहों के लिए इस्तेमाल होते हैं भाई। तो कहते हैं वला यजूजु इहदासु बीअतिन वला कनीसतिन फी दारिल इस्लाम। अहदस युहदिसु इहदास का माना है किसी चीज को वजूद देना, यानी मुराद है नया बनाना, यानी यहूदियों और ईसाइयों को नई इबादतगाह बनाने की इजाजत नहीं होगी। तो कहते हैं वला यजूजु इहदासु बीअतिन वला कनीसतिन फी दारिल इस्लामी, और जायज नहीं है नए बीआ और कनीसा को बनाना दारुल इस्लाम में। लिकौलिही अलैहि सलातु वस्सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक की वजह से कि आपने फरमाया ला खिसा फिल इस्लामी वला कनीसा। खसा यख्सी खिसान का माना है किसी को खसी बनाना, उसको नामर्द बनाना। तो हदीस में आया है ला खिसा अफिल इस्लामी कि इस्लाम के अंदर खसी बनाना नहीं है, वला कनीसता और ना कनीसा बनाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि ला खिसा अफिल इस्लामी वला कनीसता, कि इस्लाम के अंदर ना तो ना मर्द बनाना है और ना कनीसा यानी यहूदियों और ईसाइयों के इबादतगाह बनाना।
यानी इस्लाम के अंदर किसी को खसी बनाना भी जायज नहीं और इसी तरह यहूदियों या ईसाइयों की नई इबादतगाह बनाना भी जायज नहीं है भाई। तो यहां सवाल पैदा होता है कि हदीस में आया ला खिसा अफिल इस्लामी वाला कनीसता, खसी बनाने की भी नफी की गई और यहूदियों और ईसाइयों के इबादतगाह बनाने की भी नफी की गई, तो इन दोनों में क्या मुनासबत है कि इन दोनों को हदीस में जमा किया गया। एक तरफ है खसी करना यानी नामर्द बनाना और एक तरफ है कनीसा बनाना। तो बाज़ उलमा ने फिर उसका जवाब दिया कि जिस तरह खसी बनाना यानी नामर्द बनाना ये इंसान के अंदर एक किस्म का ज़ौफ और कमजोरी है, इसी तरह दारुल इस्लाम के अंदर नया बिया या कनीसा बनाना ये भी क्या है, दारुल इस्लाम के लिए एक नौ का ज़ौफ और कमजोरी है। बात समझ में आ गई। जबकि बाज़ उलमा ने और जवाब दिया, वो फरमाते हैं कि यह जवाब भी दिया जा सकता है, यूं भी कहा जा सकता है, मुमकिन हो किसी शख्स ने इत्तेफाकन हुजूर से पूछा हो कि इस्लाम में किसी को खसी बनाने का क्या हुक्म है, क्या यह जायज है या जायज नहीं, और ऐन उसी मौके पर एक और शख्स ने यह सवाल कर लिया हो कि ममलिकत इस्लामिया के अंदर यहूदियों और ईसाइयों को नई इबादतगाह बनाने की इजाजत होगी या नहीं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोनों का इकट्ठा ही जवाब दिया हो, यह भी मुमकिन है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं लिकौलिहि अलैहि सलातु वस्सलामु ला खिसा अफिल इस्लामी वला कनीसा, ताकि इस्लाम के अंदर नामर्द बनाना और कनीसा बनाना नहीं है, वल मुरादु इहदासुहा, साहिब हिदायत हदीस की मुराद और माना बयान फरमा रहे हैं। यहां तो कनीसा की नफी आई, इस्लाम में कनीसा नहीं है, माना यह है कि नई बनाना, इस्लाम में यहूदियों और ईसाइयों की नई इबादतगाह बनाना नहीं है भाई। तो कहते हैं वल मुराद इहदासुहा, और मुराद जो है नया कनीसा बनाना है, व इन इन हदमतिल बियउल कना इसुल कदीमतु, और अगर पुराने बिये और कनीसे वो गिर गए, आदूहा, तो वो उसको लौटा सकते हैं यानी फिर उसको दोबारा बना सकते हैं, ले अनल अबनियत ला तबका दाइमतन, इसलिए क्योंकि इमारतें जो हैं वो हमेशा बाकी नहीं रहती, तो जो बने हुए हैं उन्हीं की वो दोबारा तामीर कर सकते हैं भाई। वलम्मा अकर रहुमुल इमामु, और नीज इसलिए कि जब इमाम ने इनको बरकरार रखा यानी दारुल इस्लाम में, तो कहते हैं वलम्मा अकर रहुमुल इमामु, और नीज इसलिए क्योंकि जब इमाम ने इन्हें दारुल इस्लाम में बरकरार रखा, फकद आहिदा इलैहिमुल इआदता, तो तहकीक इमाम ने इनको अहद दे दिया उन इबादतगाहों के लौटाने का। जब इमाम ने उनको यहां रहने की इजाजत दी है तो गोया इमाम ने उनको अहद दे दिया है कि अगर गिरे तो तुम दोबारा इनको बना सकते हो। इल्ला अन्नहुम ला युमक्कनून मिन नक्लिहा, मगर यह कि इन्हें कुदरत नहीं दी जाएगी मिन नक्लिहा, इनको मुंतकिल करने की, कि एक जगह से बिया गिराकर दूसरी जगह बना लें, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि दूसरी जगह पर जब वो बनाएंगे तो वो भी हकीकत के एतबार से नया ही बना रहे हैं और नया गिरजा बनाने की तो इजाजत नहीं होगी। तो कहते हैं इल्ला अन्नहुम ला युमक्कनून मिन नक्लिहा, मगर यह कि उनको कुदरत नहीं दी जाएगी उस बिया या कनीसे को मुंतकिल करने की, लिअन्नहु इहदासुन फिल हकीकती, इसलिए क्योंकि ये मुंतकिल करना यह भी हकीकत में नया बनाना है, वस्सौमातु लितखल्ली फीहा बिमंजिलतिल बीअती, सौमा बई स्वाद के साथ है, सौमा कहते हैं वो राहिब का छोटा सा कमरा या छोटा सा इबादत खाना जिसके अंदर वो लोगों से अलग थलग रहकर इबादत किया करता था, उसको क्या कहते हैं, सौमा यानी राहिब का इबादत खाना, तवज्जो है, तो वो छोटा सा कमरा वगैरह होता है जिसमें वो लोगों से अलग थलग रहकर इबादत में मसरूफ रहते थे भाई। तो कहते हैं क्या सौमा उनको बनाने की इजाजत होगी, कहते हैं नहीं, सौमा भी जो है बिया के दर्जे में है, इबादतगाह के दर्जे में है, लिहाजा नया सौमा बनाने की भी इजाजत नहीं होगी। कहते हैं वस्सौमातु लितखल्ली फीहा, तखल्ली का माना है खलवत इख्तियार करना, कहते हैं वस्सौमातु लितखल्ली फीहा,
और वो 100 माह जो खलवत इख्तियार करने के लिए होता है, भी मंजिलतिल बीआती, वो भी बीआ के दर्जे में है, लिहाजा उसकी भी इजाजत नहीं होगी। बिखिलाफ मौज़ई सलाति फिल बैती, बखिलाफ नमाज की जगह के कमरे के अंदर। हां, अगर वो अपने घर या कमरे के अंदर इबादत की कोई जगह मुख्तस करना चाहते हैं तो कहते हैं हां उसकी उनको इजाजत होगी भाई। तो कहते हैं बिखिलाफ मौज़ई सलाति फिल बैती, बखिलाफ नमाज की जगह के, फिल बैती कमरे के अंदर, ले अन्नहु तबाउन लिस सुकना, इसलिए क्योंकि ये तो रिहाइश के ताबे होती है। अगर वो इबादत की जगह बना भी लें वो किसके ताबे है? रिहाइश के ताबे है, उसको रिहाइश ही समझा जाएगा, कोई अलग इबादत खाना नहीं समझा जाएगा, तो वो रिहाइश के ताबे ही है। वहादा फिल अमसारी दून अल कुरा, और ये शहरों में है ना के बस्तियों में। ये जो हुक्म हमने बयान किया कि नया बीहा और नया कनीसा नहीं बना सकते, ये शहरों का हुक्म है, देहात और छोटी बस्तियों का हुक्म नहीं। वहां पर वो नया बीहा वगैरह बना सकते हैं। वजह ये आपको बतलाएंगे, क्योंकि शहर जो हैं वहां पर इस्लामी शाइर को कायम किया जाता है। याद रखो शाइर जमा है शाइरा की, और शाइरतुन कहते हैं अलामत को। तो शाइर इस्लाम, इस्लाम की वो इबादात जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया है बतौर अलामत के भाई। जैसे देखो मुसलमान व जमात नमाज अदा करते हैं, इसके जरिए मुसलमान और काफिर में फर्क होता है। इसी तरह मुसलमान जो है सारे इकट्ठे होकर नमाज जुमा अदा करते हैं, इसके जरिए देखो काफिर और मुसलमान में फर्क हो जाता है। इसी तरह अजान दी जाती है तो अजान जो है इससे पता चल जाता है कि इस बस्ती के अंदर मुसलमान मौजूद हैं। इसी तरह ईदों की जो नमाज है उसके जरिए काफिर और मुसलमान में फर्क हो जाता है। या इसी तरह हज है, या इसी तरह हुदूद कायम की जाती हैं, सजा, इस्लामी सजाएं नाफिज की जाती हैं, ये सब क्या हैं? इस्लामी शाइर हैं, इस्लाम की और मुसलमानों की अलामतें हैं। तो शहर के अंदर इस्लाम और मुसलमानों की अलामतें होती हैं, लिहाजा वहां पर यहूदियों को और ईसाइयों को अपनी इबादत गाहें बनाने की इजाजत नहीं होगी, वरना तो ये वो इस्लामी अलामतों के मुकाबिल हो जाएंगी, वो जो शाइर इस्लाम है ये उनके मुकाबिल हो जाएंगी भाई। बात समझ में आ गई। लेकिन देहात के अंदर चूंकि जुमा वगैरह अमूमन नहीं होता, वहां हुदूद वगैरह कायम नहीं की जाती, ईदैन की नमाजें वगैरह नहीं होती, तो लिहाजा वहां पर वो अगर अपनी इबादत गाहें बनाए भी तो भी वो शाइर इस्लाम के मुकाबिल नहीं होंगी भाई। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वहादा फिल अमसारी दूनल कुरा, और ये शहरों में होगा न के बस्तियों के अंदर। लि अन्नल अमसार ही अल्लती तो कामुफी हशाइरु, इसलिए क्योंकि वो शहर ही हैं जहां पर शाइर इस्लाम को कायम किया जाता है। बात समझ में आ गई। शाइर जमा है शाइरतुन की, और शाइरा का माना है अलामत। तो वो इबादात वगैरह जो अल्लाह ने बतौर अलामत के करने का हुक्म दिया है, जिसके लिए कुफार और मुसलमानों में फर्क हो जाता है भाई, मुसलमान जो है कुफार से जुदा मालूम होते हैं भाई। तो कहते हैं लिअन्नल अमसार ही अल्लती तुकामु फीहा शाइरु, इसलिए क्योंकि वो शहर ही है कि जिनके अंदर शाइर को कायम किया जाता है। फला तआरुज बि इजहारि मा युखालिफुहा, लिहाजा कोई तआरुज नहीं होगा उस चीज के इजहार से जो शाइर इस्लाम के मुखालिफ है। ये दलील दे रहे हैं ना, बस्तियों में इजाजत है, तो बस्तियों में आप जब वो कुफार अपनी इबादत गाहें बनाएंगे तो ये शाइर इस्लाम के खिलाफ एक चीज का इजहार हो रहा है, लेकिन यहां तआरुज नहीं आएगा क्योंकि शाइर इस्लाम आम तौर पर शहरों में कायम की जाती हैं भाई। तो ये माना है फला तआरुज बि इजहारि मा युखालिफुहा, तो बस्तियों के अंदर कोई तआरुज नहीं होगा शाइर इस्लाम की मुखालिफत के इजहार की वजह से। वकीला, और कहा गया है फी दियारिना युमनाउन मिन जालिका फिल कुरा ऐज़न। वकीला, और कहा गया है, याद रखो इसके कायल हैं अल्लामा सरखसी रहमहुल्ला, अल्लामा सरखसी रहमुल्ला जो बहुत बड़े फकीह गुजरे हैं फुकहाए अहनाफ में से, वो फरमाते हैं फी दियारिना युमनाउना मिन ज़ालिका फिल कुरा ऐज़ा, कि हमारे इलाकों के अंदर बस्तियों के अंदर भी इस नए बिया और कनीसा बनाने से मना किया जाएगा, इसलिए क्योंकि हमारे देहात और बस्तियों के अंदर भी बाज़ शाइर इस्लाम मौजूद हैं भाई। तो कहते हैं वकीला, और कहा गया है फी दियारिना युमनाउना मिन ज़ालिका फिल कुरा ऐज़न,
कि हमारे इलाकों में, हमारे वतनों में, बस्तियों के अंदर भी ऐसा करने से मना किया जाएगा। लिअन्न फीहा बाज़ शाइरी, इसलिए क्योंकि बस्तियों के अंदर भी यहां बाज़ शाइर मौजूद हैं। वल मरबी अन साहिबिल मजहबी, और वो जिसको रिवायत किया गया है साहिब मजहब से, यानी इमाम साहिब से। ये जो पीछे बताया था वहादा फिल अमसारी दून अल कुरा, ये शहरों का हुक्म है न के देहातों का और बस्तियों का। कहते हैं ये इमाम साहिब की रिवायत है। ये किसकी रिवायत है? इमाम साहिब की। और उनका यह कौल कूफा की बस्तियों के बारे में था, क्योंकि कूफा के इर्द गिर्द की बस्तियों में जिम्मी आबाद थे भाई, उनकी कसरत थी, तो इसलिए उन्होंने इजाजत दी कि देहात के अंदर वो अपना नया इबादत खाना बना सकते हैं भाई। तो कहते हैं वल मरवी, और वो जिसको रिवायत किया गया अन साहिबिल मजहबी, साहिब मजहब से, यानी इमाम साहिब से, फी कुरल कूफती, वो कूफा की बस्तियों के बारे में है। लिअन्न अक्सरा अहलिहा अहलु जिम्मती, इसलिए क्योंकि कूफा की बस्तियों के अक्सर रहने वाले जो थे अहलु जिम्मती, वो जिम्मी थे। वफी अर्ज़िल अरबी यमनाउन मिन ज़ालिका फी अमसारिहा व कुराहा, वफी अर्ज़िल अरबी, और अरब की सरजमीन में, यमनाउन मिन ज़ालिका, उनको इस बात से मना किया जाएगा, फी अमसारिहा व कुराहा, सरजमीन अरब के शहरों और बस्तियों दोनों से। यानी अरब के अंदर चाहे शहर हो चाहे देहात हो, वहां किसी भी जगह नए बिया और कनीसा बनाने की इजाजत नहीं होगी। तो कहते हैं वफी अर्ज़िल अरबी यमनाउन मिन ज़ालिका, और अरब की सरजमीन के अंदर उनको इन चीजों से मना किया जाएगा। फी अमसारिहा व कुराहा, उनके शहरों में भी और उनकी बस्तियों में भी। लिकौलिही अलैहि सलातु वस्सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल मुबारक की वजह से कि आपने फरमाया ला यजतमउ दीनानि फी जज़ीरतिल अरब, के दो दीन जमा नहीं हो सकते जज़ीरा अरब में। ला यजतमिउ दीनानि फी जज़ीरतिल अरब, दो दीन जमा नहीं हो सकते जज़ीरा अरब के अंदर। ये जज़ीरा अरब से क्या मुराद है? तो बाज़ फुकहा फरमाते हैं कि यहां जज़ीरा अरब से मुराद मदीना मुनव्वरा है, और जबकि बाजों ने कहा हिजाज और यमन, ये सारा इलाका मुराद है। याद रखो हिजाज अरब का एक बहुत बड़ा इलाका है, और मक्का और मदीना दोनों इसी के अंदर आते हैं, और नीज इसी तरह यमन। तो बाज उलमा क्या फरमाते हैं कि जजीरतुल अरब से मदीना मुराद है, बाज कहते हैं नहीं, इससे मुराद हिजाज और यमन, ये सारा इलाका मुराद है। जबकि बाज उलमा फरमाते हैं कि ये जजीरा अरब से मुराद जो है आदन से लेकर इराक तक, ये सारा इलाका, और इसी तरह जद्दा के साहिल से लेकर शाम की सरहद तक, ये सारा इलाका मुराद है भाई। तो हुजूर ने फरमाया ला यजतमिउ दीनानि फी जज़ीरतिल अरबी, के दो दीन जमा नहीं हो सकते जज़ीरा अरब के अंदर। और नीत इसी तरह याद रखो, रिवायात में आता है हुजूर अलैहिस्सलाम ने मरजुल मौत में भी यह वसीयत फरमाई थी कि अखरिजुल मुशरिकीन मिन जज़ीरतिल अरब, के मुशरिकीन को जज़ीरतुल अरब से निकाल दो भाई। आगे देखिए काला वयुखज़ु अहलु ज़िम्मति बितमयीज़ अनिल मुस्लिमीन फी ज़िय्यिहिम व मराकिबिहिम व सुरूजिहिम व क़लानिसिहिम। काला साहिब क़ुदूरी फरमाते हैं वयुखज़ु अहलु ज़िम्मति, अखाज़ा याखुज़ु का एक माना होता है पाबंद करना, किसी पर पाबंदी लगाना। तो काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वयुखज़ु अहलु जिम्मती, के अहले जिम्मा पर पाबंदी लगाई जाएगी। बितमयीज़ अनिल मुस्लिमीना, मुसलमानों से फर्क और इम्तियाज की, कि ये मुसलमानों से अपना फर्क रखेंगे, अपना इम्तियाज रखेंगे, ऐसी निशानियां रखेंगे जिससे ये फौरन पहचाने जाएं कि ये गैर मुस्लिम है भाई। तो काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वयुखज़ु अहलु जिम्मति बितमयीज़ अनिल मुस्लिमीना, और अहले जिम्मा को मुसलमानों से फर्क और इम्तियाज का पाबंद किया जाएगा। फी ज़िय्यिहिम, ज़िय्युन ज़ा है और या मुशद्दद है, ज़िय्युन याद रखो ये कहते हैं लिबास और वज़ाकता, यानी आदमी का जो हुलिया है, लिबास और वज़ाकता।
कहते हैं ये इनको पाबंद किया जाएगा कि मुसलमानों से फर्क और इम्तियाज रखेंगे फी ज़िय्यिहिम अपने वज़ाकता के अंदर अपने लिबास के अंदर व मराकिबिहिम और अपनी सवारियों के अंदर। मराकिब जमा है मरकब की और ये सवारी को कहते हैं। व मराकिबिहिम और अपनी सवारियों के अंदर व सुरूजिहिम और अपनी जीनों के अंदर। सुरूज जमा है सर्ज की और सर्ज आप जानते हैं घोड़े के ऊपर वो जो जीन लादी जाती है उस पर बैठने के लिए। तो कहते हैं वह सुरूजिहिम और ये फर्क रखेंगे अपनी जीनों के अंदर। वह कलानिसिहिम कलानिस जमा है कलनसुआह की और कलनसुआह टोपी को कहते हैं और ये फर्क रखेंगे अपनी टोपियों के अंदर। तवज्जो है, यानी इनके वजा कता भी मुसलमानों से अलग होनी चाहिए, इनकी सवारियां भी मुसलमानों से अलग होनी चाहिए, इनकी जो जीन होती है जो जानवर पर रखी जाती है वो भी इनकी अलग होनी चाहिए। वह कलानी सिहिम और इनकी टोपियां भी मुसलमानों से अलग होनी चाहिए। तो कहते हैं फला यर कबू नल खैला, तो ये घोड़े पर सवार नहीं हो सकते। याद रखो जिम्मी को ममलिकत इस्लामिया के अंदर उसको वो हुलिया और वो चीज इख्तियार करने की इजाजत नहीं होगी जो मुआज़्ज़ज़ लोगों का शियार होता है जी। ताकि ये मजबूर हो इस्लाम की तरफ आने पर, वो इस्लाम जिसका फायदा इन्हीं को है, तो उनको मुसलमानों जैसे इज्जत वाले शियार अपनाने की इजाजत नहीं होगी, इनको घोड़े पर सवार होने की इजाजत नहीं होगी। ये असलहा उठाकर नहीं चल सकते, क्योंकि असलहा उठाकर चलना यह भी मुअज्जज और बड़े आदमी होने की अलामत होती है। और इसी तरह ये गधे या खच्चर पर भी सवार होंगे तो उस पर जो है घोड़े जैसी जीन रखकर नहीं बैठ सकते, बल्कि गधे के ऊपर एक कपड़ा डाला जाता है खूब मोटा कपड़ा उस पर बैठने के लिए, उसको पालान कहते हैं। जैसे घोड़े पर जीन रखी जाती है बैठने के लिए, इसी तरह गधे पर एक खूब मोटा कपड़ा रखा जाता है गधे की कमर पर ताकि उसकी कमर जख्मी ना हो, उसको पालान कहते हैं। तो गधे या खच्चर पर भी ये बैठेंगे तो पालान रखकर बैठेंगे, यानी इनको जीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। नीज ये मुअज्जज़ लोगों की तरह की आला और उम्दा जो है उन जैसे लिबास और उन जैसी चादरें वगैरह इस्तेमाल करने की भी इजाजत नहीं होगी जो बड़े और मुअज्जज़ लोगों की अलामतें होती हैं भाई। और नीज ये सवारी पर अगर सवार भी होंगे किसी जगह पर अगर मुसलमान जमा है तो वहां ये सवारी से उतरेगा और उनके पास पैदल गुजरेगा और फिर आगे जाकर फिर सवारी पर सवार होगा भाई। तफसील बयान फरमा रहे हैं साहिबे हिदाया भाई। तो कहते हैं फला यर कबून अल खैला, तो ये घोड़े पर सवार नहीं हो सकते। वला यामलून बिस सिलाही, और ये असलहे को काम में नहीं ला सकते। वला यामलून बिस सिलाही, असलहे को काम में नहीं ला सकते, यानी असलहा इस्तेमाल नहीं कर सकते, असलहा उठाकर नहीं चल सकते। वफिल जामिई सगीर, अब आगे जामे सगीर की इबारत जिक्र कर रहे हैं, माकबल में तो कुदूरी की इबारत थी, अब जामे सगीर की इबारत जिक्र कर रहे हैं साहिब हिदाया। कहते हैं वफिल जामिई सगीरी, और जामे सगीर के अंदर है वयुखज़ु अहलु जिम्मती, और पाबंद किया जाएगा जिम्मियों को भी इजहारिल कुश्ती जाती। कुश्ती जात भाई, काफ छोटा है और उस पर जम्मा है, तो कुश्ती जात जमा है कुश्तीज की, और उलमा लिखते हैं ये फारसी लफ्ज है जिसको अरबी में दाखिल कर लिया गया, और ये कहते हैं टोपी जुन्नार और जूते पर मुश्तमिल है, जबकि बाजों ने कहा कि टोपी और जुन्नार पर मुश्तमिल है भाई, टोपी और जुन्नार भाई, यानी इनकी टोपी भी अलग किस्म की होगी। और जुन्नार भाई ये कुफार की अलामत के, वो अपनी कमर पर खास किस्म का एक मोटा धागा बांधते थे, यानी उंगली के बराबर मोटा होता था भाई, उसको वो अपनी कमर पर बांधते थे और ये उनकी अलामत होती थी भाई। तो यहां कुश्ती जात आया, आप इस कुश्ती जात से क्या मुराद है, मैंने बतलाया कि बाज उलमा कहते हैं कि इसके अंदर टोपी और वो जो धागा जो कमर पर बांधा जाता है और उसे जुन्नार कहते हैं, क्या कहते हैं, जुन्नार, वो जुन्नार और इसी तरह जूता जो है ये इन पर मुश्तमिल है। इनकी टोपी भी अलग किस्म की होगी, ये जुन्नार बांधेंगे अपनी कमर पर, और इनके जूते भी खास किस्म के होंगे, उस पर कोई अलामत वगैरह होगी भाई। तो कहते हैं वयुखज़ु अहलु जिम्मति भी इजहार कुश्ती जाती, और अहले जिम्मा को पाबंद किया जाएगा कुश्ती जात के इजहार पर। वर रुकूब अला सुरूज इल्लती, और इनको पाबंद किया जाएगा उन जीनों पर सवारी पर। अल्लती हिया का है अतिल उकुफी,
उकुफ जमा है इकाफ की, और इकाफ पालान को कहते हैं, जो मैंने जिक्र कर दिया कि गधे पर बैठने के लिए जो खूब मोटा जो ऊनी कपड़ा होता है, खूब मोटा ऊनी कपड़ा वगैरह जो डाला जाता है। तो कहते हैं वर रुकू भी अलस सुरू जिल्लती ही का है अतिल उकुफी, और इनको पाबंद किया जाएगा उन जीनों पर बैठने पर जो के पालान की सूरत में होंगी। तर्जमा समझ में आ गया, ये तर्जमा फिर देख लीजिए। वह युखजु अहलु जिम्मती भी इजहारिल कुस्ती जाती वर रुकू भी अलस सुरू जिल्लती ही का है अतिल उकुफी, और पाबंद किया जाएगा जिम्मियों को कुश्ती जात के इजहार पर, और इसी तरह उन जीनों की सवारी पर जो के पालान की सूरत में हो। वह इन नमा युखदून अभी दाली का इजहार अनिलगारी अलैहिम, भाई इन पर ये पाबंदियां क्यों लगाई जाएंगी? कहते हैं ताकि इन पर जिल्लत का इजहार हो सके, इन पर जिल्लत का इजहार हो सके, पता चल सके कि ये इज्जत वाले लोग नहीं हैं। भाई कहते हैं वह इन नमाय उखजून अभी जालिका, और उन्हें इस बात का पाबंद किया जाएगा इजहार अनली सगारी अलैहिम, सगार का माना है जिल्लत, इजहार अनली सगारी अलैहिम, उन पर जिल्लत का इजहार करने के लिए। वसियानतन लिजाफतिल मुस्लिमीना, और कमजोर मुसलमानों को बचाने के लिए। अगर ईसाइयों को भी हम यहां पर हर तरह मुअज्जज लोगों की तरह रहने सहने की इजाजत देंगे तो फिर तो कमजोर मुसलमान जो हैं उनके ईमान डगमगा जाएंगे। कमजोर और गरीब और फुकारा मुसलमान हैं, वो तो देखेंगे कि ये ईसाई बड़ी अच्छी और शानदार हालत में हैं, तो वो उनकी तरह माइल होंगे। तो कमजोर मुसलमानों को बचाने के लिए इन जिम्मियों को मुअज्जज लोगों का हुलिया बनाने की इजाजत नहीं होगी। यह माना है वसियानतन लिजाफतिल मुस्लिमीना, और कमजोर मुसलमानों को बचाने के लिए। वली अन्नल मुस्लिम युकरमु वज़िम्मी युहानु, वली अन्नल मुस्लिम युकरमु, और इसलिए क्योंकि मुसलमान का इकराम किया जाता है, उसकी इज्जत की जाती है। वज़िम्मी युहानु, और जिम्मी की इहानत की जाती है, यानी उसको अहमियत नहीं दी जाती, उसको इज्जत नहीं दी जाती। जिम्मी की इहानत माना यह है कि उनके साथ मुअज्जज लोगों वाला बर्ताव नहीं किया जाएगा। भाई वला युबतदउ बिस्सलामी, और इनके साथ सलाम की इब्तिदा नहीं की जाएगी, इनके साथ सलाम की इब्तिदा नहीं की जाएगी। सलाम वगैरह या जो खैर मकदमी कलिमात हैं ये पहले कहेंगे। व युज़य्यक़ु अलैहि तरीक़ु, और इन पर रास्ते को तंग किया जाएगा। ये माना नहीं है इनको रास्ते से गुजरने ही नहीं देंगे, माना यह है कि अगर ये रास्ते पर आ रहे हैं तो मुसलमान इनके लिए रास्ता नहीं छोड़ेंगे, ये मुसलमानों के लिए रास्ता छोड़ेंगे और एक तरफ होकर गुजरेंगे। भाई ये माना है, बात समझ में आ गई कि इनके लिए रास्ता खुला नहीं किया जाएगा, ये मुसलमानों के लिए रास्ता छोड़ेंगे और एक तरफ होकर गुजरेंगे। यह माना है वह युज़य्यक़ु अलैहि तरीक़ु, और इस पर रास्ते को तंग किया जाएगा। फलौ लम तकुन अलामतुन मुमय्यिज़तुन, अब वजह जिक्र कर रहे हैं कि भाई ये अलामतें और पाबंदियां हमने इसलिए लगाई क्योंकि अगर ये फर्क करने वाली अलामत ना हुई तो बसा औकात इनके साथ मुसलमानों वाला मामला कर लिया जाएगा, और मुसलमानों वाला मामला करना तो इनके साथ जायज नहीं है, ये तो शरान जायज ही नहीं। मसलन एक जिम्मी किसी दूसरे इलाके के अंदर मर गया, सफर पर था और वहां मर गया, तो अब अगर उस पर कोई अलामत नहीं होगी तो मुसलमानों को तो पता नहीं चलेगा कि यह जिम्मी है, तो वो तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ देंगे भाई, और हालांकि यह तो जायज नहीं है। भाई तो कहते हैं फलौ लम तकुन अलामतुन मुमय्यिज़तुन, अगर न हुई कोई जुदा कर देने वाली अलामत, फलअल्लहु युआमलु मुआमलतल मुस्लिमीना, तो शायद इसके साथ मुसलमानों वाला मामला कर लिया जाए। वज़ालिका ला यजूज़ु, और यह तो जायज नहीं है। वल अलामतु तजिबु अन यकूना खैतन गलीज़ा मिनस सूफी, सूफ भाई स्वाद के साथ ये ऊन को कहते हैं, और अलामत अब जिक्र कर रहे हैं कि इनकी अलामत जो है एक मोटा धागा हो जिसको वो कमर पर बांधें, और वो ऊनी धागा होना चाहिए, रेशम का बना हुआ जुन्नार नहीं। रेशम का जुन्नार होगा तो वो तो बड़ा शानदार बना हुआ होगा, नहीं भाई, ऊन का बना हुआ मोटा धागा जो कम से कम उंगली के बराबर मोटा हो, इसको वो अपनी कमर पर बांधेंगे जिसके जरिए इनकी पहचान होगी। भाई
तो कहते हैं वल अलामत, और अलामत जो है तजिबू अयकून खैतन गलीजन, वाजिब है कि वो मोटा धागा हो, मीना सूफी ऊन से, यानी ऊन का बना हुआ मोटा धागा हो, यशुद्दुहू अला वस्तिही, जिसको वह अपने वस्त में यानी कमर पर बांधेगा, दून जुन्नारी मीनल इबरय समी, ना के रेशम का जुन्नार, भाई ना के रेशम का जुन्नार नहीं होगा बल्कि ऊन का बना हुआ यह धागा वो बांधेंगे। फ इन नहू जफा उनफी हक अहलिल इस्लामी, जफा यजफू का माना होता है सख्त मिजाज वाला होना, बेरहम और संगदिल होना, लेकिन यहां इसका माना कर लें, जफा का माना कर लें बेवफाई, भाई बेवफाई और बेरुखी, भाई फ इन नहू जफा उनफी हक अहल इस्लामी, इसलिए क्योंकि ये तो बेवफाई और बेरुखी है अहले इस्लाम के हक में। यानी अगर हम इनको रेशम का बना हुआ उमदा किस्म का जुन्नार बांधने की इजाजत देंगे तो ये तो मुसलमानों के साथ कोई अच्छा सुलूक नहीं किया जा रहा। भाई वजह यह है कि दोस्त के दुश्मन के साथ अच्छा सुलूक करना यह भी दोस्त के साथ बेवफाई है और बेरुखी है जी। आपका एक दोस्त है और उसका एक दुश्मन है, आप दोस्त के दुश्मन के साथ भी अच्छा सुलूक करते हैं तो गोया आप अपने दोस्त से बेवफाई और बेरुखी कर रहे हैं। तो यहां पर भी जो जिम्मी है ये अल्लाह के और मुसलमानों के दुश्मन हैं, तो लिहाजा इनके साथ अच्छा सुलूक करना ये मुसलमानों के साथ बेवफाई और बेरुखी है। भाई ये माना है फ इन नहू जफा उनफी हक अहल इस्लामी, इसलिए क्योंकि ये तो जफा होगी अहले इस्लाम के हक में। वयजिबू अन यतमय्यज़ा निसाउहुम अन निसाइना फी तुरुकाति वल हमामाति, इनकी औरतें भी हमारी औरतों से अलग थलग नजर आनी चाहिए। भाई तो कहते हैं वयजिबू अन यतमय्यज़ा निसाउहुम अन निसाइना, और वाजिब है कि मुमताज हो इनकी औरतें हमारी औरतों से, फी तुरुकाति रास्तों में, वल हमामाति और हमाम में, यानी औरतों के जो हमाम है उसके अंदर भी इनकी औरतें मुमताज हो, अलग नजर आए, पता चले कि ये गैर मुस्लिम है। भाई वयुजअलु अला दूरिहिम अलामातुन, दूर जमा है दार की, वयुजअलु अला दूरिहिम अलामातुन, और इनके घरों पर अलामतें लगाई जाएंगी, कैला यकीफ अलैहा साइलुन यदऊ लहुम बिल मगफिरा। भाई इनके घरों पर क्यों अलामतें लगाएंगे, कहते हैं कहीं ऐसा ना हो मांगने वाले आए और दरवाजे पर खड़े होकर उनके लिए मगफिरत की दुआएं करें, हालांकि ये तो अल्लाह के दुश्मन है। भाई इनके लिए तो मगफिरत की दुआ जायज नहीं, लिहाजा इनके घरों पर भी अलामतें होनी चाहिए ताकि आने वालों को, मांगने वालों को, सबको पता चले। भाई तो कहते हैं वयुजअलु अला दूरिहिम अलामातुन, और इनके घरों पर भी अलामतें लगाई जाएंगी, कैला यकीफा अलैहा साइलुन, ताकि कहीं खड़ा ना हो जाए इन पर कोई ऐसा मांगने वाला, यदउ लहुम बिल मगफिरती, जो इनके लिए मगफिरत की दुआ करे। कालू फुकहा फरमाते हैं अल अहक अल्ला यू तरकू अयर कबू, के ज्यादा मुनासिब यह है कि इनको सवार होने के लिए न छोड़ा जाए, यानी इनको सवारी की इजाजत न दी जाए, इल्ला ले जरूरती, मगर जरूरत की वजह से, व इदा रकीबू ले जरूरती, और जब यह जरूरत की वजह से सवार हो, मसलन किसी दूर देहात में जाना है या किसी मरीज को लेकर जा रहे हैं, तो कहते हैं वह इदा रकीबू लि जरूरती, और जब ये किसी जरूरत की वजह से सवार हों, फल यंजिलू फी जामिअल मुस्लिमीना, तो चाहिए कि ये उतर जाए मुसलमानों के जमा होने की जगह में, मुसलमान जहां इकट्ठे हों वहां ये सवारी से उतर कर पैदल वहां से गुजरें। तो कहते हैं वह इदा रकीबू लि जरूरती, और जब ये जरूरत की वजह से सवार हो जाएं, फल यंजिलू फी जामिअल मुस्लिमीना, तो चाहिए कि ये उतर जाए मुसलमानों की जमा होने की जगहों में, फ इन लजिमत हु जरूरतु, अगर जरूरत इसके साथ लाजिम हो जाए, यानी इसे सवारी पर आना जाना पड़ता है कोई दूर जगह है, तो कहते हैं फ इन लजिमत हु जरूरतु, अगर इसके साथ जरूरत लाजिम हो जाए, इत्तखज़ू सरजन, तो वो जीने बनाएंगे, बिसिफति लती तकद्दमत, उसी सिफत पर जो गुजर गई, ये ऐसी जीन बनाएंगे जो
उसी सिफत पर हो जो पीछे गुजर गई, यानी पालान वगैरह की सूरत में। वयुम्नउना अन लिबासिन यख्तसु बिही अहलुल इल्म व ज़ुहदी व शरफी, तो कहते हैं वयुम्नउना अन लिबासिन, और इनको मना किया जाएगा ऐसे लिबास से यख्तसु बिही अहलुल इल्म कि वो खास हो अहले इल्म के साथ यानी उलमा के साथ। व ज़ुहदी ऐ अहलुज़ ज़ुहदी, और ऐसा लिबास जो ज़ुहद वालों के साथ खास हो। ज़ुहद वाले वो लोग जो दुनिया से बेरगबती इख्तियार करते हैं, यानी मुत्तकी मोमिनीन मुराद हैं जिनकी सारी तवज्जो आखिरत की तरफ है भाई। तो इनको मना किया जाएगा ऐसे लिबास से भी जो अहले जोहद के साथ खास हो। वह शराफी, और इनको मना किया जाएगा ऐसे लिबास से भी जो अहले शरफ के साथ यानी मुअज्जज लोगों के साथ खास हो। बात समझ में आ गई, फिर तर्जमा देख लीजिए। वयुम्नउना अन लिबासिन, और इनको मना किया जाएगा ऐसे लिबास से यख्तसु बिही अहलुल इल्मी व ज़ुहदी व शरफी, जो अहले इल्म और अहले ज़ुहद और अहले शरफ यानी मुअज्जज लोगों के साथ खास हो। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला ने ऐसा ही फरमाया था भाई, और इसी पर सहाबा का इत्तेफाक हुआ भाई। आगे देखिए, व मनीम तना मिनल जिजियति औ कतल मुस्लिमन औ सब नबी अलैहि सलातु व सलाम औ जना बि मुस्लिमतिन लम यंतकिस अहदुहू। याद रखो, ये जिम्मी जो है हमने इनके साथ मुआहिदा किया हुआ है। जिम्मी अगर मुआहिदा तोड़ेगा, अहदे जिम्मा को तोड़ेगा, तो फिर ये मुर्तद के हुक्म में हो जाएगा। हां, अलबत्ता मुर्तद को तो कत्ल किया जाता है, अलबत्ता इसको कत्ल भी किया जा सकता है और गुलाम भी बनाया जा सकता है। तो अब साहिब हिदायत बतलाएंगे कि किन सूरतों में हम ये कहेंगे कि इन्होंने अहदे जिम्मा को तोड़ दिया है। तो आपको बतलाएंगे कि अगर ये दारुल हर्ब चले गए तो अब ये हर्बियों में से हो गए, वहां रहते हैं, या इन्होंने किसी जगह पर कब्जा कर लिया और मुसलमानों से लड़ाई कर रहे हैं तो अब भी ये हर्बियों के दर्जे में हो गए, लिहाजा इनको कैद भी किया जा सकता है, इनको कत्ल भी किया जा सकता है और इनको गुलाम भी बनाया जा सकता है। हां, अलबत्ता अगर इन्होंने जिजिया देने से इनकार कर दिया जी। या इन्होंने किसी मुसलमान को कत्ल कर दिया, या इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और गाली वगैरह दी, या इन्होंने किसी मुसलमान औरत के साथ जीना कर लिया, तो क्या इन सूरतों में भी अहदे जिम्मा टूट जाएगा? कहते हैं नहीं, इन सूरतों में अहदे जिम्मा नहीं टूटेगा भाई। तो ये जुर्म जो किए हैं इनकी सजा तो इनको दी जाएगी, लेकिन बहरहाल अहदे जिम्मा नहीं टूटेगा। कहते हैं वमनिम तना मिनल जिजियती, और इन जिम्मियों में से जो रुक गया जिजिये से, औ कतला मुस्लिमन, या उसने किसी मुसलमान को कत्ल कर दिया, औ सब नबी अलैहि सलातु वस्सलाम, और या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी, औ जना भी मुस्लिमतीन, या उस जिम्मी ने किसी मुसलमान औरत से जिना कर लिया, लम यंतकिज आहदुहू, तो उसका आहद नहीं टूटा, यानी अहदे जिम्मा नहीं टूटा। लिअन अलगायत अल्लती यंतही भी हल किताल उल्तिजाम उल जिजियती ला अदा उहा। भाई ये बात पीछे गुजरी थी कि हरबी जो है हरबी वो कत्ल का मुस्तहिक है, लेकिन अगर वो इस्लाम ले आता है तो उसकी जान महफूज हो गई, अब उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। या इसी तरह कोई हरबी जब जिम्मी बन जाता है तो इससे भी उसकी जान महफूज हो गई और उसे कत्ल नहीं किया जाएगा। मालूम हुआ जिम्मी बनना ये इस्लाम का खलीफा है, इस्लाम का नाइब है। जैसे इस्लाम की वजह से हम इनके कत्ल से रुक जाते हैं, इसी तरह जिम्मी बनने की वजह से भी हम इनके कत्ल से रुक जाते हैं भाई। और यह भी आपने पढ़ा था, एक है अमाने मुअक्कत और एक है अमाने मुअब्बद भाई। अमाने मुअक्कत वो है जो जंग के अंदर काफिरों को अमान दिया जाए, तो यह कुछ मुद्दत के लिए होता है कि हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मसलन 2 साल तक या 3 साल तक, तो ये क्या है, अमान मुअक्कत। और एक अमान मुअब्बद होता है, और जिम्मी को जो है अमान मुअब्बद हासिल है कि वो दारुल इस्लाम के अंदर है तो हमेशा के लिए उसकी जान और माल महफूज है। और ये बात भी पीछे गुजरी थी कि हरबी जब जिम्मी बनता है और वो जिजिया देना कबूल कर लेता है तो अब फौरन ही किताल साकित हो गया, अब इनको कत्ल नहीं किया जाएगा जी।
इनसे लड़ाई नहीं की जाएगी। मालूम हुआ जिजिया देने की वजह से जिम्मी नहीं बनेंगे, जिजिया को सिर्फ कबूल ही कर लें तो ये जिम्मी बन जाएंगे। तवज्जो है, ये जिजिया का सिर्फ अपने ऊपर इल्तिजाम कर लें तो जिम्मी बन जाएंगे, फौरी तौर पर जिजिया का अदा करना जरूरी नहीं है। और पीछे जिक्र हुआ था कुरान में अल्लाह फरमाते हैं हत्ता युअतुल जिजिया था, और साहिब हिदायत ने बतलाया था कि यहां इता से मुराद है कबूल करना, यहां तक कि जिजिया कबूल कर लें। दलील आगे जिक्र हो रही है, भाई पीछे मतन में आया था वह मनिमतना मिनल जिजियती, और जो जिम्मी जिजिया अदा करने से रुक गया, जिजिया नहीं अदा कर रहा तो इसकी वजह से आहदे जिम्मा नहीं टूटेगा। उसकी वजह जिक्र करने लगे हैं इसलिए कि जिजिया जब कबूल ये कर लेता है तो उसकी वजह से ये जिम्मी बन जाते हैं, इनके साथ लड़ाई खत्म कर दी जाती है। तो लिहाजा लड़ाई खत्म करने का दारोमदार जिजिया कबूल करने पर है, जिजिया अदा करने पर नहीं। भाई पीछे मतन में आया था वह मनिमतना अमीनल जिजियती, और जो जिम्मी जिजिया अदा करने से रुक गया, जिजिया नहीं अदा कर रहा तो अदा न करने पर इसके अहदे जिम्मा की बुनियाद नहीं थी, बल्कि कबूल करने पर अहदे जिम्मा की बुनियाद थी, और अदा न करने से कबूल करना तो साकित नहीं हुआ। भाई बात समझ में आ गई, लिहाजा जिजिया देने से अगर वो इनकार कर दे तो भी अहदे जिम्मा नहीं टूटा। तो कहते हैं लिअन्न अल्गायत अल्लती यन्तही बिहल क़िताल, इसलिए क्योंकि वो आखिरी हद जिसकी वजह से लड़ाई खत्म हो जाती है इल्तिजामुल जिजियती, वो जिजिये को अपने ऊपर लाजिम करना है, ला अदा उहा, ना कि उसको अदा करना, भाई ना कि उसको अदा करना, वल इल्तिजाम बाकिन, और इल्तिजाम तो अभी भी बाकी है, उसने जिजिया कबूल किया था या नहीं, बेशक अब अदा नहीं कर रहा लेकिन कबूल तो किया था, तो लिहाजा अभी भी अहदे जिम्मा नहीं टूटा। आगे देखिए वकाल शाफियो रहमहुल्ला, और इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं सबुन नबी अलैहि सलातु व सलाम यकूनु नक्जन, कि हुजूर अलैहि सलाम को गाली देना यहदे जिम्मा को तोड़ना है। हमने तो कहा कि हुजूर अलैहि सलाम को वो गाली भी देता है, यहदे जिम्मा को तोड़ना नहीं। गाली देने की वजह से और सजा वगैरह तो दी जाएगी लेकिन इसकी वजह से अहदे जिम्मा नहीं टूटेगा। लेकिन इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने से अहदे जिम्मा टूट जाएगा। वजह यह कि ये जो जिम्मी होना है ये नाइब है इस्लाम का, जैसे इस्लाम की वजह से लड़ाई खत्म, इसी तरह जिम्मी बनने की वजह से भी लड़ाई खत्म। तो असल हुआ इस्लाम और जिम्मी बनना यह उसका खलीफा है और नाइब है, और हुजूर अलैहिस्सलाम को गाली देने से तो खुद असल यानी इस्लाम खत्म हो जाता है, आदमी का ईमान खत्म हो जाता है, तो जो नाइब है वो बतरीके औला खत्म हो जाएगा इस गाली देने की वजह से। दलील समझ में आ गई। तो वकाल शाफियो रहमहुल्ला, और इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं सबुन नबी अलैहि सलातु व सलाम यकूनु नक्ज़न, कि हुजूर अलैहि सलाम को गाली देना यह अहदे जिम्मा को तोड़ना है। लिअन्नहु लौ कान मुस्लिमन यनकुज़ु ईमानहु, इसलिए क्योंकि अगर यह मुसलमान होता तो ये इसके ईमान को तोड़ देता। भाई मेरी किताब में है यनकुज़ु ईमानहु, ईमान पर रफा है भाई, लेकिन यह दुरुस्त नहीं है भाई। नकजा यनकुजू का माना है तोड़ना, नकजा यनकुजू का माना है तोड़ना, यानी यह मुतअद्दी है, इसके लिए मफूल चाहिए, और इन तकजा यनतकिजू का माना है टूटना, वो है लाजमी भाई। तो यहां नकजा आया, कहते हैं लिअन्नहु लौ कान मुस्लिमन, इसलिए क्योंकि अगर यह गाली देने वाला मुसलमान होता यनकुज़ु ईमानहु, तो यह गाली देना इसके ईमान को तोड़ देता। तो कहते हैं लिअन्नहु लौ कान मुस्लिमन, इसलिए क्योंकि अगर यह गाली देने वाला मुसलमान होता यनकुज़ु ईमानहु, तो यह गाली देना उसके ईमान को तोड़ देता। फकदा यनकुज़ु अमानहु, तो इसी तरह यह गाली देना इसकी अमान को भी तोड़ देगा। इस अक्दु जिम्मति खलफुन अनहु, इसलिए क्योंकि अक्दे जिम्मा ईमान का खलीफा है, उसका नाइब है, तो गाली देने से जैसे ईमान टूट जाता है इसी तरह अमान भी टूट जाएगा। वलना, और हमारी दलील जो है अन्न सब नबी अलैहि सलातु वस्सलाम कुफ्रुम मिनहु, कि हुजूर अलैहि सलाम को गाली देना कुफ्रुम मिनहु, ये इस जिम्मी की तरफ से कुफर है भाई,
हुजूर को गाली देना यह कुफर है, तो उसकी तरफ से कुफर वाला फेल पाया गया। वल कुफरुल मुकारिनु ला यमनाउहू फतारिउ ला यरफाउहू। वल कुफरुल मुकारिनु, और वो कुफर जो मिला हुआ है यानी अहदे जिम्मा के साथ, भाई जब हमने अहदे जिम्मा किया था उस वक्त ही ये क्या था, काफिर। तो अकदे जिम्मा की इब्तिदा के वक्त जो कुफर था वो अहदे जिम्मा के लिए मान्य नहीं, वो कुफर जो इब्तिदाए अहद के वक्त था जब वो अहदे जिम्मा के लिए मान्य नहीं, तो वो कुफर जो बाद में आए वो बतरीके औला उस अहदे जिम्मा के लिए मान्य नहीं बनेगा। दलील समझ में आ गई। कहते हैं वल कुफरुल मुकारिनु ला यमनाउहू, और वो कुफर जो अहदे जिम्मा से मिला हुआ है, कारण युकारिनु के माना मिला हुआ होना, और किस चीज से मिला हुआ है, अहदे जिम्मा से, यानी इब्तिदा के अंदर जो कुफर अहदे जिम्मा से मिला हुआ था। कहते हैं वल कुफरुल मुकारिनु ला यमनाउहू, और वो कुफर जो अकदे जिम्मा के साथ मिला हुआ है यानी इब्तिदा से ही, ला यमनाउहू, वो इस अहदे जिम्मा के लिए मान्य नहीं है। फतारिउ, तो वो कुफर जो बाद में पेश आया है, ला यरफाउहू, वो भी इस अहदे जिम्मा को दूर नहीं करेगा, इसको खत्म नहीं करेगा। बात समझ में आ गई। तो इंदल अहनाफ, हुजूर अलैहिस्सलाम को कोई गाली देता है तो उसकी वजह से उसका अहदे जिम्मा नहीं टूटता, लिहाजा उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। लेकिन उलमा फरमाते हैं ये उस सूरत में है जब वो शख्स अलल एलान ऐसा नहीं करता। अगर वो अलल एलान ऐसा करता है, हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है और इसको अपनी आदत बना लेता है, तो इस आदमी को कत्ल कर दिया जाएगा, चाहे औरत ही क्यों ना हो। वो भी इस तरह अगर अलल एलान करती है, इस तरह गुस्ताखी और आदत बना लेती है, तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। आगे देखिए भाई, काला वला युनकजुल अहदु इल्ला व अन यल्तहिक बिदारिल हर्ब। भाई सबसे पहले तो ये इबारत देख लीजिए भाई, मेरी किताब में है वला युनकजुल अहदु, वला युनकजु, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है भाई। मैंने आपको बतलाया नकजा यनकुजू के माने हैं तोड़ना, ये मुतअद्दी है, इसके लिए मफूल चाहिए, जबकि यहां पर अहद के टूटने की बात हो रही है, अहदे जिम्मा के टूटने की बात हो रही है, लिहाजा यहां फेले लाजिम चाहिए भाई। तो यहां होना चाहिए वला यंतकिजुल अहदु, वला यंतकिजुल अहदु यहां होना चाहिए, और हिदाया के दीगर नुस्खों में यह इबारत मौजूद है, वहां यंतकिजु का सीगा है भाई, तो लिहाजा इसको वला यंतकिजुल अहदु पढ़ें भाई। और नीस आगे आ रहा है इल्ला व अन यल्तहिक बिदारिल हर्बी, यहां इल्ला के बाद वाव जिक्र है भाई, तो हिदाया के बाद नुस्खों में इसी तरह वाव मौजूद है, और हिदाया के बाद नुस्खों में यहां वाव मौजूद नहीं है भाई, और वही दुरुस्त है भाई, यहां पर वाव नहीं होना चाहिए भाई। तो लिहाजा यहां आप भी वाव के बगैर पढ़ लीजिए, काला वला यंतकिजुल अहदु इल्ला अन यल्तहिक बिदारिल हर्ब। यहां से साहिबे हिदाया यह बयान फरमाएंगे कि किन सूरतों के अंदर अहदे जिम्मा टूट जाएगा, तो साहिबे हिदाया आपको बतलाएंगे कि अगर कोई जिम्मी दारुल हर्ब वालों से जा मिला, कोई जिम्मी दारुल हर्ब वालों से जा मिला, वहीं जाकर उनके पास रहने लग पड़ा, या जिम्मियों ने किसी इलाके पर कब्जा कर लिया और उन्होंने मुसलमानों से जंग शुरू कर दी, तो इन दोनों सूरतों के अंदर अहदे जिम्मा टूट जाएगा। वजह यह कि अहदे जिम्मा जो जिम्मियों से किया गया था उसका मकसद यह था कि ये जो जिम्मी है इनकी जंग का शर दूर हो जाए। वजह यह कि ये जिम्मी तो पहले हर्बी थे भाई, ये क्या थे, हर्बी थे, ये मुसलमानों के साथ जंग करने वाले थे, तो इनके साथ अहदे जिम्मा किया गया ताकि इनकी जंग का शर दूर हो जाए। और अब तो ये खुद हमारे दुश्मनों से यानी हर्बियों से जा मिले हैं, या इन्होंने हमारे साथ लड़ाई शुरू कर दी है, तो मालूम हुआ अब अहदे जिम्मा को बाकी रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब इस वक्त वो मुसलमानों से लड़ रहे हैं या मुसलमानों के साथ लड़ने वालों के साथ जा मिले हैं। तो लिहाजा अगर जिम्मी दारुल हर्ब वालों से जा मिले या जिम्मी किसी इलाके पर कब्जा कर ले और मुसलमानों से जंग शुरू कर दें, तो इस सूरत में अहदे जिम्मा टूट जाएगा भाई।
तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वला यंतकिजुल अहदु, और अहद जिम्मा टूटता नहीं है इल्ला अयल तहिक बिदारिल हर्बी, मगर ये कि जिम्मी जो है दारुल हर्ब से जा मिले यानी वहीं चला जाए उनके पास रहने लगे, औ यगलिबूना अला मौज़िइन फयुहारिबूना ना, या ये जिम्मी जो है किसी जगह पर कब्जा कर लें फयुहारिबूना ना तो हमारे साथ फिर जंग करें। जब जिम्मी किसी इलाके पर कब्जा कर ले और हमारे साथ जंग शुरू कर दें तो इस सूरत में भी अहद जिम्मा टूट जाएगा। ले अन्नहुम सारू हरबन अलैना, इसलिए क्योंकि वो हमारे दुश्मन हो गए। मैंने आपको बतलाया था भाई कि हरबुन का एक माना है दुश्मन भाई, और इसके साथ आला सिले के तौर पर इस्तेमाल होता है। मसलन कोई शख्स किसी का दुश्मन हो तो अरबी में कहते हैं हुआ हरबुन अलैया, वो मेरा दुश्मन है। तो यहां पर भी इसी तरह है لأنهم صاروا حربا علينا, इसलिए क्योंकि वो हमारे दुश्मन हो गए। फयारा عقد الذمة عن الفائدة, तो खाली हो गया عقد ذمہ فائدے سے, وهو دفع شر الحراب, और वो फायदा जो था वो जंग के शर को दूर करना था, इन लोगों की जंग के शर को दूर करना था, और अब तो ये हमारे साथ जंग कर रहे हैं या जंग करने वालों के साथ जा मिले हैं, तो अब अहद जिम्मा को बाकी रखने का कोई फायदा नहीं है भाई। तो कहते हैं फया अरा अकदु जिम्मति अनिल फाइदती, तो अकद जिम्मा खाली हो गया फायदे से, वह हुआ दफ उशर रिल हिराबी, और वो फायदा इनकी जंग के शर को दूर करना था। आगे देखिए व इदा नकजा जिम्मी युल आहदा, और जब जिम्मी अहद जिम्मा को तोड़ दे फहुआ बि मंजिलतिल मुर्तदी, तो वो मुर्तद के दर्जे में है। जिम्मी जब अहद जिम्मा को तोड़ दे तो वो मुर्तद के दर्जे में है भाई, ये मतन है भाई। व इजा नकजा जिम्मी युल आहदा फहुआ बि मंजिलतिल मुर्तदी, तो ये मतन है, और इस मतन के अंदर साहिब कुदूरी ने आपको बतलाया कि जिम्मी जब अहद जिम्मा को तोड़ दे तो वो मुर्तद के दर्जे में है। अब इस कलाम का क्या माना, वो जिम्मी जिसने अहद जिम्मा को तोड़ दिया है वो किस एतबार से मुर्तद के दर्जे में है, तो साहिब हिदायत आगे उसका माना बयान फरमाएंगे भाई। लेकिन एक दो बातें पहले समझ लीजिए, याद रखो जब कोई शख्स मुर्तद होता है तो आप जानते हैं कि वो वाजिबुल कत्ल हो जाता है भाई, उसको 3 दिन की मोहलत दी जाएगी, और अगर वो मुसलमान नहीं होता तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर एक शख्स मुर्तद हुआ और भागकर दारुल हर्ब चला गया और फिर काजी ने उसके दारुल हर्ब जाने का फैसला कर दिया, उसके वारिस वगैरह काजी के पास आ गए कि वो शख्स मुर्तद होकर भागकर दारुल हर्ब चला गया है, उसका माल अब हम वारिसों में तकसीम किया जाए, तो काजी पता करवाएगा, और जब पता चल जाए कि वाकई वो शख्स भागकर दारुल हर्ब जा चुका है तो काजी फैसला लिख देगा कि फला शख्स मुर्तद होकर दारुल हर्ब भाग चुका है। और याद रखो काजी जैसे ही उसके दारुल हर्ब वालों से जा मिलने का फैसला लिखेगा तो यह फैसला उस मुर्तद के लिए मौत के दर्जे में है, यानी उस मुर्तद पर मौत का हुक्म लगा दिया जाएगा कि वो मर चुका है, और उस पर फिर मुर्दों वाले अहकाम जारी हो जाएंगे, यानी उसका माल वगैरह है यहां दारुल इस्लाम के अंदर वो उसके वारिसों की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। मालूम हुआ मुर्तद जब भागकर दारुल हर्ब चला जाए और काजी उसके दारुल हर्ब वालों से जाम मिलने का फैसला लिख दे तो यह उस मुर्तद के लिए मौत हुक्मी है, यह उस मुर्तद के लिए मौत हुक्मी है, यानी मौत का हुक्म उस पर लगा दिया गया। हकीकत में तो वो जिंदा है दारुल हर्ब के अंदर, लेकिन काजी का यह फैसला उसके लिए मौत हुक्मी है भाई, और उस पर मुर्दों के अहकाम जारी हो जाएंगे। और नीज एक और मसला भी याद रखना कि अगर मुसलमानों ने फिर इस दारुल हर्ब पर कब्जा कर लिया और ये मुर्तद और इसका माल मुसलमानों के कब्जे में आ गए तो मुर्तद जो है उसको तो कत्ल किया जाएगा इल्ला ये कि वो इस्लाम ले आए, और जो मुर्तद का माल होगा वो सारा माले गनीमत शुमार होगा जी। वो माले गनीमत शुमार होगा। मालूम हुआ मुर्तद दारुल हर्ब चला जाए और काजी फैसला कर दे तो ये मौत हुक्मी है, और नीज मुसलमान उसे इलाके पर कब्जा कर लें तो मुर्तद का माल माले गनीमत है। तो साहिब हिदायत बतलाएंगे कि ये जो शख्स ये जो जिम्मी
जिसने अहदे जिम्मा को तोड़ दिया है यह मुर्तद की तरह है इन दोनों चीजों में। यानी जैसे मुर्तद दारुल हर्ब वालों से जा मिला था तो उस पर मौत के अहकाम जारी कर दिए गए, इसी तरह यह जिम्मी जिसने अहदे जिम्मा तोड़ा है जब यह दारुल हर्ब वालों से जा मिला है तो यह भी इसके लिए मौत हुक्मी है, यानी मौत के अहकाम जारी कर दिए जाएंगे। यानी इस जिम्मी का कोई माल अगर दारुल इस्लाम के अंदर मौजूद है तो वो उसके वारिसों में तकसीम कर दिया जाएगा भाई। और नीज जैसे मुसलमान उस दारुल हर्ब पर कब्जा कर लें तो मुर्तद का माल जो होता था वो माल गनीमत शुमार होता था, इसी तरह अगर ये जिम्मी जो जिसने अहदे जिम्मा तोड़ा है और जाकर हर्बियों से मिल गया है तो अगर इस दारुल हर्ब पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया तो इस जिम्मी का जो माल है वो माल भी माल गनीमत शुमार होगा। तवज्जो है। तो हासिल कलाम ये कि ये जिम्मी जिसने अहदे जिम्मा को तोड़ा है ये मुर्तद की तरह है दो चीजों में, एक जैसे मुर्तद दारुल हर्ब चला जाए तो उसकी मौत हुक्मी का फैसला कर दिया जाता है, इसी तरह जिम्मी भी दारुल हर्ब जाएगा तो ये भी मौत हुक्मी शुमार होगी भाई। और नीज इसी तरह जैसे मुर्तद का माल माल गनीमत शुमार होगा अगर मुसलमान वहां कब्जा कर लें तो इसी तरह ये जिम्मी जिसने अहदे जिम्मा को तोड़ा है इसका माल भी माल गनीमत शुमार होगा अगर मुसलमान उस इलाके पर कब्जा कर लें। अलबत्त फर्क यह है कि जिम्मी जो है अगर इसको कैद कर लिया जाए तो इसको कत्ल करना भी जायज और इसको गुलाम बनाना भी जायज है, लेकिन अगर मुर्तद को कैदी बना लिया गया, वो मुर्तद जो दारुल हर्ब भाग गया था अगर उसको कैदी बना लिया गया तो उसको गुलाम बनाना जायज नहीं, या उससे इस्लाम कबूल किया जाएगा या उसे कत्ल कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई जी। अब देखिए किताब पर कहते हैं वह ईदा न कजा जिम्मी युल आहदा, और जब जिम्मी अहदे जिम्मा को तोड़ दे फहुआ बिमन जिलतिल मुर्तद दी तो यह जिम्मी जो है मुर्तद के दर्जे में है। मानाहू साहिब कुदूरी के इस कौल का माना यह है, ये जो इन्होंने साहिब कुदूरी ने जिक्र किया कि यह जिम्मी मुर्तद के दर्जे में है तो किस चीज में, कहते हैं फिल हुक्म बि मौती ही बिल लिहाकी, फिल हुक्म भी मौती ही इसकी मौत का हुक्म लगाने के अंदर बिल लिहाकी दारुल हर्ब वालों से जा मिलने की वजह से। बिल लिहाकी, लिहाक का क्या माना, जा मिलना, बिल लिहाकी दारुल हर्ब वालों से जा मिलने की वजह से इसकी मौत का हुक्म लगाया जाएगा। जैसे मुर्तद दारुल हर्ब वालों से जा मिले तो उस पर मौत का हुक्म लगाया जाता है। तो कहते हैं मानाहू साहिब कुदूरी के इस कौल का माना यह है फिल हुक्म भी मौती ही बिल लिहाकी कि यह जिम्मी मुर्तद की तरह है, फिल हुक्म भी मौती ही इसकी मौत के हुक्म में बिल लिहाकी दारुल हर्ब वालों से जा मिलने की वजह से। लिअन्नहुल तहक बिल अमवाती, इसलिए क्योंकि यह मुर्दों से जा मिला है। यहां से वजह बतला रहे हैं कि ये हर्बी या ये मुर्तद जब दारुल हर्ब चला गया तो इन पर मुर्दों के अहकाम क्यों जारी किए गए, तो वजह उसकी ये है कि ये जो हर्बी हैं जो दारुल हर्ब में हैं ये मुर्दों के हुक्म में हैं। जैसे मुर्दा जो है उस पर इस्लामी अहकाम लाजिम नहीं किए जा सकते क्योंकि वो मर चुका है भाई, इसी तरह ये जो हर्बी हैं इन पर भी इस्लामी अहकाम लाजिम नहीं किए जा सकते क्योंकि हमें इन पर विलायत हासिल नहीं है। तो ये हर्बी मुर्दों के दर्जे में हुए, तो ये मुर्तद और जिम्मी जब दारुल हर्ब वालों से जा मिले तो मालूम हुआ ये मुर्दों से जा मिले हैं, और जब ये मुर्दों से जा मिले हैं तो इनका हुक्म भी मुर्दों वाला होगा, यानी इनकी वो जायदाद जो दारुल इस्लाम में मौजूद है वो इनके वारिसों में तकसीम कर दी जाएगी। और नीज ये भी याद रखना मुर्तद जो है मुर्तद के तो मुर्तद होते ही उसका निकाह टूट गया, जबकि ये जो जिम्मी है जिसने अहदे जिम्मा को तोड़ा है इसका भी अपनी बीवी से निकाह टूट गया अगर इसकी कोई बीवी यहां दारुल इस्लाम में जिम्मिया मौजूद है। इस जिम्मी का भी निकाह टूट गया, वजह यह कि यह जिम्मी दारुल हर्ब वालों से जा मिला है और बीवी यहां दारुल इस्लाम में है तो बीवी और खावंद का दार अलग अलग है, और आप पीछे पढ़ चुके हैं कि बीवी और खावंद का दार हकीकतन भी अलग हो और हुक्मन भी अलग हो तो दोनों में बैनूनत आ जाती है, निकाह टूट जाता है।
तो यहां बीवी और खावन दोनों का दार हकीकतन अलग है, बीवी दारुल इस्लाम में है और ये जिम्मी भागकर दारुल हर्ब जा चुका है, तो हकीकतन भी दोनों का दार अलग अलग और निस हुक्मन भी दार अलग है, इसलिए क्योंकि बीवी का यहीं रहने का इरादा है और खावंद का दारुल हर्ब में ही रहने का इरादा है, तो दोनों का दार हकीकतन भी अलग हुआ और हुक्मन भी अलग हुआ, लिहाजा इनमें बैनूनत आ जाएगी, इनका निकाह टूट जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये माना है लि अन्नहुल तहक बिल अमवाती, इसलिए क्योंकि ये जिम्मी जो है मुर्दों से जा मिला है, व कदा फी हुक्म मा हमलहु मिन मालिही, और इसी तरह ये जिम्मी उस मुर्तद की तरह है, फी हुक्म मा हमलहु मिन मालिही, वो माल जिसको वो ले गया है उसके हुक्म में, वो माल जो जिम्मी अपने साथ दारुल हर्ब ले गया है उस माल में भी ये जिम्मी मुर्तद की तरह है। जैसे मुर्तद का माल जो है वो माल गनीमत शुमार होता था, इस जिम्मी का माल भी माल गनीमत शुमार होगा। ये माना है व काजाफी हुक्मी मा हमलहू मिन मालिही, और इसी तरह ये जिम्मी मुर्तद की तरह है उस माल के हुक्म के अंदर भी जिसको ये अपने साथ ले गया है, इल्ला अन्नहु लव उसीरा युस्तारकु, मगर एक बात है कि अन्नहु लव उसीरा युस्तारकु, कि अगर इस जिम्मी को कैद कर लिया गया, युस्तारकु उसको गुलाम बनाया जा सकता है, बेखिलाफिल मुर्तदी, बखिलाफ मुर्तद के, कि अगर उसको कैद कर लिया गया तो उसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता, उससे या सिर्फ इस्लाम कबूल किया जाएगा या उसे कत्ल कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।